मतलब कलम के रिलीज साथियों का कलम के जो बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इस समय निरीक्षण करने के लिए उस क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और ये पहला शॉट पहला गोल रामलाल मुर्मू एफसी हजारीबाग टीम के लिए पहला शॉट गोल में कन्वर्ट करते हुए। और इस बार मधु एटा के लक्ष्य पहाड़ी टीम के तरफ से टीम के कैप्टन स्वयं इस समय पहला स्ट्राइक लेने के लिए अपन बाबू स्वयं, जबकि गोलकीपर होंगे तरुण महतो। लेकिन बहुत ही शानदार से तरुण महतो गोलकीपर हजारीबाग के तरफ से सेकंड शॉट के लिए हजारीबाग टीम की तरफ से धोना हंसा जर्सी नंबर 9। अब देखते हैं गोलकीपर गोपी राव क्या कमाल दिखाते हैं, फिर कमाल कर पाए या नहीं। और बहुत ही सुंदर पीस में कोई भी दर्शक नहीं चलेंगे, दीवार में कोई पे देख रहा बैग में बैठो खुल पे थोड़ा ढेर दिया तार पता है उन्होंने सारे में गलों के थोड़ा कुछ आराम कर आते हैं जो बहुत अच्छी बैठ गया दर्शक पूरा खुश है। बुनियाली सिपाही टीम से रंजीत मंडी और बहुत ही सुंदर गोल हजारीबाग टीम से इंद्रजीत तो तीसरा शॉट लिए एक तरफ नीत हजारीबाग टीम नुआने से थोड़ा जल लहा भी ना हुआ और बहुत ही सुंदर इंद्रजीत उराव गोपी उराव को वहां चकमा देते हुए और इस तरह से एफसी हजारीबाग टीम का स्कोर लाइन 3-3 गोल। इस टूर्नामेंट में दूसरे राउंड में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा अवसर मिल गया है और ये पहला राउंड में ही ये मौका मिल गया। अगर यहां पर विकास नायक अपने नाम के अनुरूप अगर इस शॉट को गोल करते हैं तो इस मैच में ये नायक साबित हो सकते हैं और यहां से एफसी हजारीबाग की टीम क्वार्टर राउंड के लिए स्थान को क्वालिफाई कर लेंगे।
Nyerbunai Vikas Naik Asap Menkan goalkeeper Gopi Rao Tadi main Muskil Prasiti Lepin Aqwa Kalau ya Mono Bayang Titi Lepin Aqwa और बहुत ही सुंदर फिनिश भारी तरह से एफसी हजारीबाग टीम इस मैच में कर दिया है साधन मांडे स्टार प्लेयर अपना लेवल यहां पे है जूनियर बिहार के रूप में अपना ध्यान सुनिए विशेष आने के बाद साधन बेटा कदम लगी लगा एफसी हजारीबाग टीम के गोलकीपर तरुण महतो इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं कृपया करके इसे के